आज की जो हमारी पहली सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है वो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि इंडिया ने चाइना ओरिजिन की जो मेन इम्पॉर्टेंट बड़ी बड़ी एप्स हैं जैसे कि टिकटॉक, उनमें से 59 एप्स को भारत में इस्तेमाल करने के लिए बैन कर दिया है। हालांकि ये जो बैन लगा है वो 48 आवर्स के लिए लगा है। इस 48 घंटे के अंदर अंदर कंपनी के जो मैनेजर हैं या जो कंपनी का जो हेड है या जो कंपनी का स्टाफ है उसको गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना है कि हम आपकी ऐप को बैन क्यों ना करें, क्योंकि चाइना में एक लॉ है कि जितनी भी चाइना में स्थापित कंपनी है, चाहे वो कहीं भी कार्यरत हो, चाहे वो इंडिया में वो काम कर रही हो या फिर ऑस्ट्रेलिया में काम कर रही हो या US में काम कर रही हो, अगर उन कंपनी की स्थापना चाइना में हुई है तो उन कंपनीज को चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ अपना डेटा शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता वो कहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, कहाँ पे ऑपरेट नहीं कर रही हैं। ठीक है, तो इस पे अपना कंसर्न रेस करते हुए इंडिया ने ये रीज़न दिया है कि ये जो लॉ है वो इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए सेफ नहीं है। इसी कारण से इन सब ऐप को बैन कर दिया गया है। हाँ, जो सेक्शन 69A है IT Act का, ठीक है, और ये वाला जो रूल्स हैं IT प्रोसीजर सेफ गार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009, ये सरकार को पावर देता है कि वो जो एप्स हमारी सिक्योरिटी के लिए सेफ नहीं है उन एप्स को बैन कर सकता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखना है। मेन चीज़ है कि आपको रीज़न पता होना चाहिए क्यों इंडिया ने इस ऐप को बैन करा है और किस कानून के तहत इंडिया की सरकार के पास पावर होती है कि वो किसी भी ऐप को, यदि वो भारतीय सुरक्षा के लिए चुनौती है, तो उस ऐप को भारतीय सरकार कभी भी बैन कर सकती है। ठीक है, अब इस पे चाइना ने रिस्पॉन्स क्या दिया है, 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं इसमें। पहला पॉइंट है कि इंडिया ने ऐसा डिसीजन क्यों लिया है, किस कानून के तहत लिया है और उस पर चाइना का क्या रिस्पॉन्स आया है। ठीक है, अब चाइना का जो एम्बेसी का जो स्पोक्स पर्सन है उसने क्या बोला है, ये एक, यहाँ से इसको जूम कर लेते हैं, ये एक सेलेक्टिवली एंड डिस्क्रिमिनेटरी स्टेप है जो चाइना की एप्स को पर्टिकुलर टारगेट कर रहा है। ठीक है, और ये एक एम्बिगस है, मतलब नॉन रेशनलाइज, मतलब गलत डिसीजन है। ठीक है, और ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के अगेंस्ट है। ठीक है, उसके अलावा ये भी बोला गया है कि ये इंटरनेशनल ट्रेड और ई कॉमर्स के अगेंस्ट डिसीजन लिया गया है। ठीक है, और ये कंज्यूमर इंटरेस्ट के फेवर में नहीं है। ठीक है, इससे बोला, नेक्स्ट ने बोला है कि चाइना इंडिया से एक्सपेक्ट करता है कि वो म्यूचुअली बेनिफिशियल नेचर, यानी आपसी भावना से, मतलब एक दूसरे के साथ मिलके काम करेगी हमारे इंडिया चाइना के आर्थिक एवं व्यापार संगठन को बढ़ावा देने के लिए। पर ये जो इंडिया ने स्टेप लिया है वो बायलेटरल नहीं है, वो चाइना की पॉलिसी, वो चाइना की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। ठीक है, तो 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए इस पूरे न्यूज़ में कि इंडिया ने क्यों ऐसा किया है, क्या कौन से कानून के तहत किया है और चाइना का क्या रिस्पॉन्स है इसके ऊपर। इसके अलावा न्यूज़ में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, पॉलिटिकल डायलॉग्स वगैरह मत लिख के आना कि चाइना ने इंडिया पे हमला किया, 20 सोल्जर्स मर गए। ठीक है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, पर हमें टेक्निकल रीज़न दे के आना है एग्ज़ाम में। हालांकि ये लिख सकते हैं कि ये जो डिस्टरबेंस है ये ऑब्वियसली बॉर्डर इश्यूज की वजह से है। ठीक है, बट मेन कॉज आपको ये लिखना है कि चाइना में जो लॉ है जो चाइना में स्थापित कंपनीज है उनको बाधित करता है कि वो अपना डेटा चाइना की सरकार के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो किसी भी कंट्री में कार्यरत हो। ठीक है, ये मेन रीज़न है, आपको यही मेन रीज़न एग्ज़ाम में कोट करके आना है। ठीक है, यदि आप सिर्फ बॉर्डर इशू का लिख के आओगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट न्यूज़ है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो सबसे बड़ा सरकारी संगठन है जो पूरा US के टेलीकॉम्युनिकेशन को मैनेज करता है, उसने हुवाई और ZTE जो चाइनीज़ कंपनीज़ है इनको सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब इस डिक्लेरेशन से क्या होगा, इन डिक्लेरेशन से वो US कंपनीज़ जो इन हुवाई और ZTE कंपनी से इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते थे, वो 8.3 बिलियन जो सरकार ने फंड क्रिएट कर रखा है इस काम के लिए, उसमें से फंड नहीं ले पाएंगे अब वो लोग। ठीक है,
बेसिकली उनका कहना यह है कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टीज़ के तहत जो कंपनीज आती हैं वो उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर कुछ स्पाइंग का मेथड है, मतलब जासूसी करते हैं वो इन सब चीज़ों से, इसलिए वो यूएस की टेलीकम्युनिकेशन यानी उसकी सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा है। ठीक है, ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है यूएस एफसीसी के द्वारा। ठीक है, ये सबसे सीनियर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएस के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को देखती है। ठीक है, तो इसको आप जहाँ भी आपका, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इम्पैक्ट हमारे इंडिया पे क्या होने वाला है, इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जब यूएस ने इसको सिक्योरिटी थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है तो इन दोनों कंपनी को हो सकता है कि जो हमारे नवंबर दिसंबर में 5G ट्रायल्स की ऑक्शन होने हैं या स्पेक्ट्रम ऑक्शन होते हैं उसमें हुवाई और जेटटीई में भी पार्टिसिपेट ना कर पाए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमारी रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस हैं, जो हमारी रेवेन्यू इम्प्लीकेशंस हैं, हमारे रेवेन्यू पे फ़र्क पड़ेगा, बट अगेन नेशनल सिक्योरिटी को फर्स्ट पॉइंट दिया जाएगा। अब रेवेन्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो जो चाइनीज़ कंपनीज़ हैं उनसे हमारे एयरटेल वोडाफोन भी इनसे अपने इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं, और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि एयरटेल लगभग 30% अपने टेलीकम्युनिकेशन के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो चाइना से इंपोर्ट करता है, वोडाफोन लगभग 40% करता है, जियो एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो कोरिया से इंपोर्ट करता है। तो ये एयरटेल और वोडाफोन के जो स्पोक्स पर्सन है उनका कहना है यदि आप चाइनीज़ कंपनी को बैन करते हो तो हमारा कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या होगा उससे कि जो चाइनीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सबसे कॉम्पिटिटिव, सबसे कम रेट में आते हैं। ठीक है, तो ये कहना उनका है कि तो इससे हमारे रेवेन्यू पे भी फ़र्क पड़ सकता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये इम्पैक्ट हमारे इंडिया के 5G ऑक्शन के टाइम पे भी पड़ सकता है। दूसरा है इम्पॉर्टेंट डिसीजन ये है कि एक तो वन नेशन वन राशन कार्ड हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी पुराना है, पिछले साल से न्यूज़ में है, इनफैक्ट उससे पहले साल भी ये न्यूज़ में रहा है। तो ये एक्चुअली मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए वन नेशन वन राशन कार्ड का क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब आपको पता होने चाहिए। अभी फ़िलहाल में क्या हुआ है कि वैसे तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस किया था बट मैंने इसमें हाईलाइट कर दिया है कि ये जो प्रधानमंत्री, इसको जूम कर लेते हैं, ये जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जिसको, जो कि एक जो अभी निर्मला सीतारमण ने जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद 1.7 लाख करोड़ का एक गरीब लोगों के लिए एक रिलीफ पैकेज लॉन्च किया था, जिससे वो इस कोविड-19 की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है और उसकी वजह से जो उनको आर्थिक समस्याएं हुई हैं वो उसके साथ टैकल कर सकें। ठीक है, तो उसके तहत ही एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च करी गई थी। इसके तहत क्या था, इस स्कीम के तहत कि जितने भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जितने भी 80 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं उनको जो मंथली मिलता है वो तो मिलता रहेगा, उसके अलावा उनको एडिशनल 5 kg ग्रेन यानी या तो गेहूँ या फिर राइस फ्री में दिया जाएगा, और उसके साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। ठीक है, हालांकि ये जो स्कीम थी सिर्फ 3 महीने के लिए लॉन्च कर गई थी, अप्रैल मई जून, अब इसको बढ़ा के नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, ये स्कीम के बारे में आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद ये आपका कि कुछ इन्फॉर्मेशन ले लो यहाँ से, जैसे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट बफर नॉर्म्स, गवर्नमेंट को एक गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को उतना अनाज अपने बफर स्टॉक में मेंटेन रखना ही होता है। जैसे उन्हें 1 अप्रैल को 210.40 लाख मिलियन टन रखना पड़ेगा, 411 लाख मेट्रिक टन रखना पड़ेगा जुलाई 1 को, ये कुछ स्टैटिक न्यूज़ है। ठीक है, इसको कैसे, इसको आप थोड़ा सा ऐसे एनालाइज कर सकते हो कि सबसे ज़्यादा हमें जुलाई में मेंटेन करके रखना है क्योंकि ये आपका ये खरीफ क्रॉप वाला आ जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा डेटा अपना याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, देन आपको कहीं मेंस में अगर ये वाली लाइन यूज़ करनी है तो ये लाइन आप लिख सकते हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और अदर वेलफेयर स्कीम के तहत सरकार को लगभग हर महीने 55 लाख मेट्रिक टन फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़ती है। ठीक
ठीक है, ये मेंस में आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो ये लाइन, जहाँ भी आपको पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। देन उसके बाद अब जैसे ये वाली न्यूज़ है कस्टोडियल डेथ की न्यूज़, काफ़ी ज़्यादा इश्यू बना हुआ है। इस न्यूज़ को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इस न्यूज़ को हम आगे पढ़ेंगे जब हम ओपिनियन में पढ़ेंगे। ओपिनियंस में एक आया है डी के बासु जजमेंट। डी के बासु जजमेंट याद रखना, जहाँ भी कस्टोडियल डेथ पे कोई भी क्वेश्चन आता है, कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ, वहाँ पे हमें डी के बासु जजमेंट की जो गाइडलाइंस है वो तो अपने मेंस के आंसर में लिख के ही आनी है, ठीक है। अभी हम इस पे आगे डिस्कस करेंगे, अब इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। देन अगेन ये आपको पता है कि अभी नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर ओली है, उसने काफ़ी इररेलीवेंट स्टेटमेंट दी है, काफ़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिए, गैर जिम्मेदारी एक स्टेटमेंट दी है, जिसके तहत उसने बोला है कि जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट है वो नेपाल की गवर्नमेंट को गिराना चाहती है, क्योंकि अभी आपको पता है इंडिया नेपाल में इशू चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ पे जो नेपाल उसकी पार्टी के लीडर्स हैं उन्होंने ही ये लाइन उसको बोली है कि आपने ये इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट क्यों दी है, और यदि आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि इंडिया सरकार गिराना चाह रही है तो आपको रिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर खुद की जो उसने खुद गलत स्टेटमेंट दी है वो ही उसके ऊपर भारी पड़ गई है, ठीक है। देन ये एक ऑलरेडी हमारा पुराना इशू चल रहा है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया चाइना अभी उसमें कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। देन आपका ये वाला चाइनीज़ कंपनीज के नाम है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाईलाइट कर दिया, किसी को देखना है तो देख लेना। हाँ, जैसे ये आता है ना इसमें बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी टू द इंडियन इकोनॉमी, ये पॉइंट आप नोट कर लेना, मतलब समझ लेना इसमें क्या है क्या नहीं है, डायरेक्टली आपको एक आंसर मिल जाएगा। हालांकि जीएसटी अब काफ़ी पुराना टॉपिक हो गया है, बट अगेन इसको कभी भी पूछा जा सकता है, चांसेस कम है जीएसटी के बेनिफिट्स वगैरह पूछने के, बट अगेन सिलेबस का पार्ट है तो हमें ये सब पढ़ना चाहिए। और जब हमें रेडी आंसर मिल रहा है कोई, जैसे वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, तो इसको हमें फटाफट से लिख लेना चाहिए ताकि हमें गूगल करके सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इससे हम अपना अपना ही टाइम बचाएंगे, ठीक। देन अगेन इसमें ऐसा कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। देन ये कुछ एक्ट है जिस एक्ट के तहत एक कंसर्न रेज हुआ है कि कोविड-19 के दौरान पे जितने भी पेशेंट्स का डेटा लिया गया है उसको एमएचए की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको उस डेटा को डिस्ट्रॉय करना है सभी स्टेट्स को, क्योंकि उस डेटा में आपने काफ़ी सेंसिबल डेटा लिया है, जैसे कि उनकी लोकेशन, उनके फ़ोन नंबर और उनके ब्लड ग्रुप इवन, तो इन सब डेटा को आपको डिलीट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है। तो ये कुछ कानून दे रखे हैं जिसके तहत डेटा को प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। देन ये कुछ साइंस जनरल साइंस के कुछ टॉपिक हैं, जैसे बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर सिस्टम क्या होता है, ये एक नॉन इन्वेसिव टेक्निक है। नॉन इन्वेसिव मतलब ये एक टाइप का वेंटिलेटर पे, जैसे हमारा होता है ना एक जिसमें ऑक्सीजन के लिए हम निडल्स को माउथ के थ्रू इंटरनल तक पहुँचाते हैं, उसको बोलते हैं इन्वेसिव टेक्निक। ये होता है नॉन इन्वेसिव टेक्निक, मतलब इसमें हमें सिर्फ जो नेचुरल ऑक्सीजन होती है उसको बढ़ावा मिलता है, उसको उसका अमाउंट बढ़ा के बॉडी में भेजा जाता है, इसमें कुछ हमें इंसर्ट नहीं करना होता माउथ के अंदर, ताकि ऑक्सीजन को मेडिस मतलब कुछ एडिशनल सप्लाई ऑक्सीजन नहीं करनी पड़ती, इसमें जो नेचुरल ऑक्सीजन अवेलेबल है उसी का ही सप्लाई बॉडी में बढ़ाना होता है, ठीक है। तो जनरल डेफिनेशन है, याद रखना प्रीलिम्स के लिए, इसको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। अब जैसे इसमें हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं, जब हमने डोकलाम में पढ़ा था कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है, पॉलिसी क्या कर दी, अब उसने प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी वाइल हैविंग द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पोजीशनिंग, ठीक है। हम ऑलरेडी इस पर हम बात कर चुके हैं। अब ये सारा देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक्चुअली जो इंडिया चाइना का इशू हुआ है उसमें ग्लोबल कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स है। सबसे पहले तो ग्लोबल कम्युनिटी का सबसे बड़ा रिस्पॉन्स यही है हमारा कि उन्होंने इंडिया को एक सॉलिडेरिटी एक सहायता एक सपोर्ट प्रोवाइड करा है बेसिकली इंडिया को, ठीक है। तो आपको ये कुछ स्टेटमेंट्स कोट करनी है राइट, जिसमें आप शो करोगे कि इंडिया को किस कैसे कैसे सपोर्ट किया गया है। जैसे ब्रिटिश एमपी हैं, ब्रिटेन के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उन्होंने बोला है कि दे हैव रेज्ड अ कंसर्न इन ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर चाइनाज बुलिंग बिहेवियर, यानी इन अप्रोप्रिएट बिहेवियर इन द डिस्प्यूट विद इंडिया,
एंड डिलेड डिक्लेरेशन ऑफ कोविड-19। और तो उन्होंने पूरे यूके, जो यूके यूके का पार्लियामेंट है, उन्होंने डिसाइड कराया है कि हम अपनी डिपेंडेंसी, मतलब यूके यूनाइटेड किंगडम चाइना के ऊपर कितना ज़्यादा डिपेंडेंट है, हम उसको दोबारे से रिव्यू करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद ये स्टैटिक न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिटियोर सैटेलाइट्स के बारे में अब आपको, सैटेलाइट्स कह रहा हूँ सॉरी, मिसाइल्स, मिटियोर मिसाइल्स के बारे में आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना होगा। ठीक है, ये लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जो हम फ्रांस से रफल एयरक्राफ्ट ले रहे हैं, उसके साथ हमारा मिटियोर भी आएगा। ठीक है, मिटियोर भी आएगा, विच आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो ये सब एक बार आप गूगल कर लेना मिटियोर सैटेलाइट्स के बारे में। ठीक है, देन इसमें नीचे आओगे, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ भी हमारे यूपीएससी पर्पस से नहीं है। इसमें एनालिसिस बेसिकली ये दिया गया है कि जो मोदी है, उसने जो प्राइम मिनिस्टर हमारा जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने बोला है कि जो ये हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवम्बर तक एक्सटेंड करा है, उसमें लगभग 1.5 लाख करोड़ का खर्चा आएगा। ठीक है, पर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने बोला है नहीं, 1.5 लाख का खर्चा नहीं है, इसमें सिर्फ 1 लाख करोड़ का ही खर्चा है। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ कैलकुलेशन दी हैं किस हिसाब से 1 लाख करोड़ का खर्चा है। अगेन इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे इसे इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देन ये सब कुछ अपना अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को अपोज करा है। देन इसमें पॉलिटिकल, ये सब ये न्यूज़ एक्चुअली पॉलिटिकल है, ये पूरा गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स। इसमें कुछ स्कीम्स वगैरह के बारे में अगर कुछ आए तो ही हमें पढ़ना है, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स स्टेटमेंट्स नहीं लिख के आनी है, हमेशा हमें एक टेक्निकल स्टेटमेंट यूपीएससी के मेंस में लिखना होता है। देन देयर देन दिस इज़ फ्री राशन स्कीम अंटिल जून 2021। अब देखो अगेन यहाँ पॉलिटिक्स है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने जो स्कीम नवंबर तक एक्सटेंड करी है, ममता बनर्जी ने वो स्कीम जून 2021 तक एक्सटेंड कर दी है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, खाद्य साथी प्रकल्प, ये उनकी वेस्ट बंगाल की लोकल स्कीम है, जिसके तहत फ्री राशन दिया जाता है। ठीक है, देन ये आपका डॉक्टर्स डे था, इस डॉक्टर्स डे को बेसिकली बी सी रॉय के इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन एवरी ईयर टू ऑनर एंड वैल्यू ऑफ डॉक्टर्स, हमेशा जुलाई 1 को मनाया जाता है, डेडिकेटेड टू डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर बी सी रॉय। ठीक है, ये UPPCS या स्टेट सर्विसेज के लिए ऐसी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। UPSC हालांकि बहुत ही रेयरली पूछता है, इनफैक्ट ये पूछता ही नहीं है। ठीक है, अगेन ये सब कोविड-19 न्यूज़ हैं। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हम ये जो रिकवरी ट्रायल है, देखो ये रोज़ हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, तो समझ लेना ये प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि रिकवरी क्लिनिकल ट्रायल किस कंट्री का पार्ट है, इसके तहत क्या किया जाता है, इसके तहत हमेशा हमारी जो कोविड टेस्टिंग के नए मेथड्स और कोविड वैक्सीन के ऊपर रिसर्च की जाती है यूनाइटेड किंगडम के साथ, ये एसोसिएटेड है, इसको यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही है। ठीक है, देन ये मेंस प्रिंसिपल मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वाला, कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने कुछ फोर गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हैं कि जो हम आपका इंडिया जो वैक्सीन बनाएगा वो इन चार चार सिद्धांतों के बेसिस पर बनाएगा। चार सिद्धांत कौन से हैं उसके, पहला है कि वल्नरेबल ग्रुप्स, वेल जो वल्नरेबल जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं कोविड-19 से, सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे कि आपके डॉक्टर्स, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, नॉन मेडिकल फ्रंटलाइन, कोरोना वॉरियर्स। ठीक है, उन सबको सबसे पहले वैक्सीन दी जाए। देन वैक्सीन जो होनी चाहिए वो इस बेस पे होनी चाहिए, एनी वन एनी वेयर, मतलब उसमें कोई डोमिसाइल वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद वैक्सीनेशन मस्ट बी अफोर्डेबल एंड यूनिवर्सल, बहुत ज़्यादा कॉस्टली वैक्सीन नहीं बनानी है, इट शुड बी अफोर्डेबल और यूनिवर्सल, मतलब सबको वो मिलनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा चौथा प्रिंसिपल है दैट एंटायर प्रोसेस, उसकी उत्पादकता से लेके उसकी सप्लाई तक पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी की मदद से उसको मॉनिटर किया जाएगा एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, आपको मेंस में, इनफैक्ट आप किसी भी वायरस, देखो ये जो ऐसे पॉइंट होते हैं ना, इन पॉइंट्स को आप कहीं भी लिख सकते हो। यदि आपको कहीं भी सजेशन देना है मेंस के एग्ज़ाम में कि अगर कोई भी नई वैक्सीन बनाई जाए
तो वो इन चार सिद्धांतों के बेसिस पे होनी चाहिए। ये सिर्फ कोरोना वैक्सीन के बारे में ही नहीं है, इस इन चार पॉइंट्स को आप किसी भी वैक्सीन रिलेटेड आंसर में लिख सकते हो। जहाँ भी आप सजेस्ट करो कि इंडिया जब अपनी नई वैक्सीन बनाता है या नई वैक्सीन बनाएगा, तो इनको तो उसको इन चार सिद्धांतों को दिमाग में रख के ही, चार सिद्धांतों पे मनोबल दे के ही वैक्सीन का डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, तो इसको आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक, देन ये आप थोड़ा सा इस गैस के बारे में देख लेना, हालांकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा इवेंट नहीं है कुछ, बट अगेन देख लेना इसको एक बार, बेंजीन डाजोल गैस किस लिए इस्तेमाल की जाती है, बस इसका यूज़ देख लेना किस लिए इस्तेमाल की जाती है इसको। ठीक है, देन इसमें ये आपका एडिटोरियल पेज आता है। अब एडिटोरियल पेज में हमने बात करी थी कि डी के बासु जजमेंट के बारे में, ये जो पूरा ओपिनियन है डी के बासु जजमेंट के लिए ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें भी, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी दे रखी हैं। तो मैंने इसका क्या किया है, अभी आपको वीडियो के लास्ट में मैंने इसको ना एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में, आपको समराइज्ड फॉर्म में आपको मेंशन कर दिया है, वो आप लोगों के पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो हम इसके बारे में उन दोनों, जब वीडियोस का आगे वाला पार्ट आएगा, इसी वीडियो में आगे जब पहुँचेंगे, तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन करके अलग से एक नोट्स बना के आपको इसमें वीडियो में डाल दिए, मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देन इसमें आते हैं। देखो इसमें क्या है, हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं कि जब इंडिया ने अपने चाइनीज़ ऐप्स को बैन करा है, तो यस उसने एक सिग्नल दिया है चाइना को, दैट वी आर कंसिडरिंग समथिंग डिफरेंट फॉर चाइना नाउ। ठीक है, अब एक इंडिया अब एक ऑर्थोडॉक्स बन के नहीं रहेगा, हालांकि हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, चाइना की इकोनॉमी इंडिया से लगभग 5 टाइम्स बड़ी है, बट स्टिल अब हम अपनी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें ये बोला है, इसमें कुछ स्टेप्स दिए हैं कि और अदर कुछ स्टेप्स जो हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स फर्म्स हैव बिन आस्क्ड टू एक्सप्लोर द आइडिया, कि ई कॉमर्स फर्म्स जितनी भी हैं वो एक इस चीज़ का समाधान निकालें कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को बेच रही हैं उसकी कंट्री के ओरिजिन को कैसे डिस्क्राइब करें, ताकि क्योंकि अभी डिमांड ये बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं ई कॉमर्स पे, ये एक सजेशन है। देन देयर इज़ अ सजेशन टू रेज द टैरिफ, देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स पे रोक लगा दो, इतने भी चाइनीज़ कंपनीज़ को दिए हैं। ठीक है, जितने भी चाइनीज़ कंपनीज़ को आपने कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, देन उसके बाद है आपका कि चाइनीज़ फर्म्स द गवर्नमेंट मैंडेटरी फॉर FDI। यस, अभी हमने देखा था कि जब पेंडेमिक हुआ था लगभग मार्च के आसपास, तब गवर्नमेंट जब तब RBI ने एक डिसीजन लिया था कि इंडिया की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके उन उन कंट्रीज़ के थ्रू जितना भी FDI आएगा वो सारा एक परमिशन के बाद आएगा। तो ये डायरेक्टली चाइना को ही टारगेट करा था, जब चाइना के फर्म ने HDFC में अपना एक शेयर खरीदा था। ठीक है, क्योंकि ये RBI ने ये इसलिए किया था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि इंडियन ये चाइनीज़ इकोनॉमिस्ट चाइनीज़ इन्वेस्टर्स का इंडियन इकोनॉमी में कोई ज़्यादा रोल हो। ठीक है, क्योंकि अगर उनका हमारी इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा रोल हो गया, तो अल्टीमेटली वो हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में भी इंटरफेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखो ये जो चीज़ है ना कि ऐप्स के बाद ये जो हमारे आर्टिस्ट वगैरह हैं, ये एक ठीक है, ये एक ना एक एक आर्टिस्ट पे फोकस कर रहा है बेसिकली। हमें सिर्फ आर्टिस्ट के बारे में नहीं लिखना है, हमने अभी कुछ दिन पहले कुछ वीडियो में डिस्कस किया था गिग इकोनॉमी, GIG, गिग इकोनॉमी, तब हमने उस पर बात करी थी कि हमें कैसे गिग इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए, हमें कैसे एक सोशल सेफ्टी लानी चाहिए जो गिग इकोनॉमी में हमारे आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं, या जितने भी हमारे एम्प्लॉयमेंट गिग इकोनॉमी के थ्रू मिल रहा है, वीडियोस यूट्यूब पे वीडियो, ये जैसे यूट्यूबर हो गए आपके, टिकटॉक पे वीडियोस बना के जो डालते हैं, ये एक काइंड ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इन लोगों के लिए। सो इसको बोलते हैं गिग इकोनॉमी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी होती है, जिसमें आपको काम करने के दौरान पैसा दिया जाता है, कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, आपको जितना आप जितना काम करोगे उस हिसाब से आपको उतना पैसा मिल जाएगा। तो उसमें हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि
हमारा गिग इकोनॉमी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। लगभग 50% हमारी इकोनॉमी गिग इकोनॉमी के थ्रू चलती है, तो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए और हमको कुछ इसमें सोशल सेफ्टी मेजर्स भी लाने चाहिए। सिर्फ आर्टिस्ट की बात नहीं है, हमें हर चीज़ में ये इंट्रोड्यूस करने, क्योंकि जो गिग इकोनॉमी या जो कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इंडियन अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन ये थोड़ा सा OTT प्लेटफॉर्म के बारे में, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया आपका, हॉटस्टार हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया। तो बेसिकली इसमें कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले मार्केट का साइज़ है कि एज़ पर स्टडी 2023 तक जो पूरे OTT की वैल्यू होगी वो लगभग $5 बिलियन के आसपास हो जाएगी। ये सिनेमा और OTT प्लेटफॉर्म्स के बीच का डिफरेंस दिया है। हालांकि इसमें पूरे में थोड़ी सी फिलॉसफी है, फिलॉसफी हमारे काम की नहीं है। ठीक है, आखिरी पैराग्राफ इम्पॉर्टेंट है कि हमें जब OTT पे जब हम कोई वीडियोस बना रहे हैं या फिर जो कोई मूवीज़ या वेब सीरीज़ आ रही हैं उनमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे हमें वुमेंस की इमेज को डिग्रेड नहीं करना है, हमें वल्नरेबल सेक्शन है जैसे हमारे जैसे चिल्ड्रन हो गए, इन सब का ध्यान रखना है। हमें जो कंटेंट हम डाल रहे हैं वो एक प्रॉपर लेवल का होना चाहिए ताकि जो वल्नरेबल सेक्शन है जैसे हमारे चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स हैं उन पे कोई भी दिमाग पे गलत असर ना पड़े। ठीक है, तो ये सब आप मेंस के एग्ज़ाम में सजेस्ट कर सकते हो। देखो OTT बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। ठीक है, OTT एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का पार्ट बनने वाला है और बनता भी जा रहा है। आप नेटफ्लिक्स देख लो, वेब सीरीज़ वगैरह। ठीक है, तो इस पर भी मेंस में कोई ना कोई पॉसिबल क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है, तो OTT एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो आपको सजेस्ट बेसिकली यही करना है कि हमें कैसे कुछ चीज़ों का इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, देन ये ना ये जो ये पूरा ओपिनियन है ये पूरा का पूरा आपका बेसिकली इकोनॉमिक स्टैटिक इकोनॉमिक को रिवाइज करने के लिए बना है कि फॉरेक्स रिजर्व्स बेसिकली इसमें कहा गया है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है, जापान सिर्फ चाइना जापान एशिया में चाइना और जापान ही सिर्फ हमसे आगे हैं, तो हम इतना फॉरेक्स रिज़र्व का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं या गवर्नमेंट इस फॉरेक्स रिज़र्व का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इसको इकट्ठा करके रखा जा रहा है, क्यों इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इस टाइम पे। तो इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ दी हैं कि मे बी गवर्नमेंट का कोई प्लान बी हो कि यदि हमारी इकोनॉमी पेंडेमिक के टाइम पे फेल हो जाती है हम फॉरेक्स रिज़र्व्स को यूज़ कर सकते हैं, देन एक रुपये की स्टेबिलिटी बनाने के लिए हम फॉरेक्स का रख रखा है। हालांकि इसमें सजेस्ट यही करा है कि हमें ये भी इंश्योर करना चाहिए जितना फॉरेक्स आ रहा है उतना फॉरेक्स आसानी से वापस भी जा सकता है, जैसे कि हमारा मार्च में हुआ था लगभग 65,000 करोड़ का हमारा FDI आराम से, FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FDI नहीं FII, डिफरेंस होता है FII और FDI में। ठीक है, FDI थोड़ा स्टेबल होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट होता है फॉरेन विदेशी निवेशकों के द्वारा, और FII शॉर्ट टर्म में मतलब कभी भी एक लघु समय के लिए निवेश किया जाता है आपका जो आपके ये फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस दे रखा है, ये बहुत सिंपल है। मतलब बेसिकली इसमें यही क्वेश्चन रेस करा है कि इतना फॉरेक्स रख क्यों रखा है, इसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि FII जितनी जल्दी आता है उतनी तेज वापस भी जाता है। और इसमें ये दिया है जो हमारा रिसेंटली फॉरेक्स में इंक्रीज हुआ है वो बेसिकली दो कारणों से हुआ है। पहला है कि FII से हमारे बहुत सारे आए हैं, बहुत सारा FII आया है। ठीक है, याद दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, FII और FDI में डिफरेंस होता है। यदि कोई भी विदेशी निवेशक हमारे भारतीय मूल की कंपनी में 10% से ज़्यादा शेयर्स खरीदता है या 10% से ज़्यादा निवेश करता है तो वो FDI होता है, और यदि 10% से कम निवेश करता है तो वो FII होता है। जो FDI होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए यानी वो लंबे समय के लिए निवेश होता है, और जो FII होता है वो शॉर्ट समय के लिए होता है, उसको निवेशक कभी भी भारत से निकाल के कहीं और पे कहीं किसी और देश में निवेश कर सकता है। तो FII हमारी इकोनॉमी के लिए जितने यूज़फुल हैं उतना ख़तरनाक भी हैं, क्योंकि यदि आप इतना सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ हमारे FII से हमारे फॉरेन एक्सचेंज से बाहर निकल जाएगा तो वो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को अनस्टेबल कर देगा। तो इस पूरे आर्टिकल में यही चीज़ बोली गई है कि हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यदि हमें FII को हमने आगे फ्यूचर के इस्तेमाल के लिए रख रखा है तो हमें उसे काफ़ी सावधानी से रखना चाहिए, हमें पॉलिसीज का ध्यान रखना चाहिए कि ये FII जल्दी से यहाँ से बाहर निकल ना जाए। ठीक है, देन उसके बाद ये आपका कुछ हाईटेक जो बुलेट ट्रेन बन रही है हमारी अहमदाबाद से मुंबई के लिए, तो उसमें डिसीजन लिया गया है कि जो हाई वैल्यू
हाई वैल्यू और हाई टेक्नोलॉजी वाले वर्क होंगे वो अब जापानीज इंजीनियर्स के द्वारा के जगह इंडियन इंजीनियर्स करेंगे। इससे क्या होगा, हमारा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी इंजीनियरिंग डोमेन के अंदर, ठीक है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स स्टील ब्रिजेस वगैरह बनाने। और इसके साथ साथ क्या है इसमें कि जो हमारे जो चीपर जो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पूरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट है वो भी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है, जो हमारी पूरी कॉस्ट है प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपकी इसमें। देन नीचे आओ, इसमें और कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। देन एक्सप्लेन पेज में देखो, जैसे ये वाली न्यूज़ है कि किस चाइनीज़ कंपनी को कौन इन्वेस्टमेंट है, कहाँ इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है, कितना उसका शेयर है हमारे भारतीय इकोनॉमी में, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये बिल्कुल भी, ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो इस न्यूज़ को। देन कोवैक्सीन, ये जो हमारी इंडियन डोमेन की फर्स्ट कोरोना वायरस वैक्सीन बनी है, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ लेना, ये पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि कितने स्टेप्स होते हैं किसी भी वैक्सीन को मार्केट में लाने के लिए, तो वैक्सीन्स लाइक मोस्ट न्यू ड्रग्स आर मेन टू फॉलो टेस्टिंग प्रोसेस फॉर 4 स्टेजेस, 4 उसकी स्टेज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है जो प्री क्लिनिकल टेस्ट एंडिंग विद फेज 3 स्टडीज कंडक्टेड ऑन थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना बिल्कुल भी, बाकी इसमें सच इंपॉर्टेंट नहीं है। वैक्सीन आपको पता है वैक्सीन क्या होती है, इसमें क्या इस वैक्सीन को कैसे बनाया गया, इस वैक्सीन को ऐसे बनाया गया है कि किसी भी एक कोरोना वायरस के पेशेंट से कोरोना वायरस का एक कोरोना वायरस निकाला, ठीक है, उसको लेबोरेटरी में डेड किया और उसके बाद उस डेड वायरस का इस्तेमाल करके हमने वैक्सीन को बनाया है, ठीक है, ताकि जब उसको हम बॉडी में इंजेक्ट करें तो उस डेड वायरस के अगेंस्ट हमारा एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ और एंटीजन्स पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देन ये न्यूज़ है कि जो स्वाइन फ्लू वायरस होता है, H1N1 वायरस होता है, उसका एक नया स्ट्रेन हमें मिला है, जिस स्ट्रेन का नाम है G4E4H1N1, ये चाइना में मिला है और ये इतना बड़ा ये इतना खतरनाक वायरस है कि इसको आप ग्लोबल पेंडेमिक भी ये कॉज कर सकता है, तो ये एक वार्निंग इशू करी गई है चाइना की तरफ से। यानी हांगकांग में एक न्यू सिक्योरिटी बिल आया है, जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी बिल कहा है, चाइना गवर्नमेंट लाई है। बेसिकली जो हांगकांग में प्रोटेस्ट चल रहा है चाइना गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेमोक्रेसी वगैरह लाने के लिए, उसके अगेंस्ट में ये कानून लाया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो इसका मेन टारगेट है वो है कि स्पीच और प्रोटेस्ट और चाइना के जो क्रिटिकल मीडिया है जो चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलती है उसको प्रिवेंट करना, ठीक है। देन इसके तहत एक नई सिक्योरिटी एजेंसी भी बनाई जाएगी खासकर हांगकांग के लिए, और इसी के साथ एक इंटेलिजेंस यूनिट भी बनाई जाएगी चाइना की कैपिटल बीजिंग में, जो जो हांगकांग के रिलेटेड कंप्लेंट्स को टैकल करेगी, ठीक है। इस पे वेस्टर्न कंट्रीज़ इनफैक्ट इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज करा है कि ये राइट टू स्पीच और फंडामेंटल बेसिक राइट्स के अगेंस्ट है, ये हांगकांग को दबाया जा रहा है, ठीक है। इनफैक्ट US ने बोला है कि US उन सभी ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगा सकता है, उन सभी चाइनीज़ ऑफिशियल्स पे सैंक्शन लगा सकता है जो इस कानून के तहत हांगकांग के लोगों को सज़ा देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ने बोला है कि वो लगभग 3 मिलियन हांगकांग के रेजिडेंट्स को अपने लंदन में आने में अलाउ करेगा और यहाँ पे रह के काम करने में परमिशन देगा, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हो चाइनीज़ की एग्रेसिवनेस का, ठीक है, चाइनीज़ की एग्रेसिवनेस का, चाइना कैसे आवाज़ दबा रहा है, ठीक है। देन इसमें देखो इकोनॉमिक पेज में ये फर्स्ट पैराग्राफ ही इसमें इम्पॉर्टेंट है बेसिकली, कि ये एक छोटे 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 पॉइंट बन सकते हैं आपके, कि हम इस पेंडेमिक के टाइम पे क्या क्या स्टेप ले सकते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार हो जाए, ठीक है। जैसे ये सजेशन दिया है कि ग्रेटर फिस्कल पॉलिसी सपोर्ट, मतलब सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। जो MSMEs पे जो सरकार के ऊपर जो MSMEs का पेमेंट ड्यू है, जो अभी तक सरकार ने पे नहीं करा है, उसको फटाफट से पे कर देना चाहिए। जो स्टेट्स का पेंडिंग है उस स्टेट्स को पे कर देना चाहिए। इंडस्ट्री का जो पेमेंट है वो इंडस्ट्री को पेमेंट करने देना चाहिए। फटाफट इनकम टैक्स रिफंड्स को रिलीज कर देना चाहिए। एंड देन जो GST कंपेंसेशन दिया जाता है स्टेट्स
स्टेट्स को उसका एडवांस पेमेंट सेंट्रल को करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये सजेशन दिया गया है कि आप कोरोना बॉन्ड्स को भी आप इशू कर सकते हो टू रेज द मनी फ्रॉम द मार्केट, मतलब वो बॉन्ड ऐसे होंगे उनका नाम कोरोना बॉन्ड होगा कि आप हमें इस टाइम मार्केट से पैसा दो, आप मुझे इस टाइम 10 लाख रुपये दो या 10 करोड़ रुपये दो, मैं आज से 3 साल बाद आपको 10% ब्याज पे आपका पैसा वापस करूंगा। तो आप ये कोरोना बॉन्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हो। देन वन टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग, वेज सपोर्ट टू अर्बन एम्प्लॉयर्स, मतलब जो अर्बन एम्प्लॉयर्स हैं, जो हमारे माइग्रेंट जो अपनी फैक्ट्रीज या चला रहे हैं, जो माइग्रेंट्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उनको आप डायरेक्टली मॉनेटरी सपोर्ट दे सकते हो ताकि वो माइग्रेंट्स वगैरह की उनको सैलरी वगैरह दे सकें। देन डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र जो आपके सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेसिकली गिग इकोनॉमी भी जिसे आप बोल सकते हो वो लगभग 50%, 50 से 55% के आसपास है भारत में, ठीक है। देन उसके बाद ये थोड़ा सा पूरा का पूरा इकोनॉमिक न्यूज़ है। 8 core industries कौन कौन सी होती हैं, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें हमें पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा शेयर किसका होता है और किस ग्रुप का कितना परसेंट शेयर है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का 20% शेयर है, कोल प्रोडक्शन का 10% शेयर है, तो फर्टिलाइजर का 3% शेयर है पूरे इंडेक्स में। और ये कब निकलता है इंडेक्स ऑफ 8 core industries, हर महीने इसको निकाला जाता है। एंड ऑब्वियसली लॉकडाउन के टाइम पे ये पूरा का पूरा कोर सेक्टर 23.4% से गिरावट हुई है, अल्टीमेटली होगी क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ था, लॉकडाउन लग गया था, ठीक है। तो ये कुछ डेटा दिया है, हमारा करंट अकाउंट बैलेंस, ये पूरा का पूरा स्टैटिक न्यूज़ है, मतलब कुछ भी काम का नहीं है इसमें, बस आपको स्टैटिक कंसेप्ट, इसमें जो इतने भी स्टैटिक टेक्निकल वर्ड्स दे रखे हैं जैसे आपका करंट अकाउंट बैलेंस, ये सब पता होना चाहिए क्या होता है, आपका GDP आपको पता होना चाहिए क्या होती है आपकी, ठीक है। यदि आपको ये सब पता है तो आप फटाफट से इस न्यूज़ को स्किप कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ डेटा है, डेटा हर महीने डेटा आता है तो आपको हर महीने का डेटा नहीं लिखना है, ठीक है। देन जैसे आपको फिस्कल डेफिसिट पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको इन वीडियोस में ये सारे टर्म्स नहीं समझा सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आई एज्यूम आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, और इस वीडियो का बिल्कुल भी ये पर्पज़ नहीं है कि मैं आपको एक एक कंसेप्ट समझाऊँ। इस वीडियो का पूरा पर्पज़ है कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाओ, न्यूज़पेपर में कौन सी न्यूज़ पढ़नी है और कौन सी न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो यदि आपको ये सब कोर्स करना है तो आप इंस्टीट्यूट से डायरेक्टली लेक्चर वीडियोस ले सकते हो या फिर क्लासरूम प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। देन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, क्रायोसेट फंक्शन, ठीक है। क्रायोसेट बेसिकली किस लिए इस्तेमाल किया जाता है आपका, क्रायोसेट होता है कि जो आपके न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स होते हैं उनमें जो टेम्परेचर जब ज़्यादा राइज हो जाता है तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्रायोसेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ITER है एक ग्रुप है फ्रांस में, ठीक है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसमें बेसिकली 7 countries इसके सदस्य हैं जिसमें से भारत भी इसका एक सदस्य है। तो इसके तहत भारत की LNT को कॉन्ट्रैक्ट मिला था ये क्रायोसेट बनाने का, तो उसने ये 2012 में कॉन्ट्रैक्ट लिया था ITER से। अब इसने कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया है और ये पूरा का पूरा जितना असेंबली है सबको उसने फ्रांस को डिलीवर कर दिया है, ठीक है। देन उसके बाद है स्टैंप ड्यूटी ऑन म्यूचुअल फंड परचेजेस फ्रॉम टुडे। अगेन ये काफ़ी टेक्निकल न्यूज़ है, हम इस पर नहीं जाएंगे, बस आपको म्यूचुअल फंड्स पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट UPSC के लिए, देखो ये सब जो वन डे न्यूज़ होती है ना और जो टेक्निकल न्यूज़ होती है, इन न्यूज़ को आप स्किप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। हालांकि इसमें आपको स्टैटिक कंसेप्ट निकालने हैं कि स्टैटिक कंसेप्ट क्या है। म्यूचुअल फंड आपको पता होना चाहिए क्या होता है, देन स्टैंप ड्यूटीज़ आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, बाकी इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो में आपको अब नेक्स्ट उसमें इस वीडियो में आगे आपको DK बासु जजमेंट पे पूरा मैंने एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में वीडियो इसमें ही मैंने अटैच कर दिया इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।